मैं एक दिन यहाँ जुमा पढ़ाने निकला तो इसी रोड के ऊपर एक जो है वो गद्दा गाड़ी जा रही थी, जिसके पीछे जली रूप में लिखा था जलने वाले का मुंह काला। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मेरा मुआशरा इतना नीचा है, इतना गंदा हो गया और इतना जो है वो छोटा हो गया, इस मजदूर से भी जलने वाले इस मुआशरे में मौजूद है। अगर बाहर कोई गर्मियों में वाटर कूलर नष्ट करे तो वहां गिलास के साथ जंजीरें क्यों बांधता है? कभी इस आईने में अपने आप को देखा हमने? हम कहां गिरे हुए हैं? हमारी गिरावट का क्या आलम है? जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल दे, हुक्म होता है अपना नामा या मान दे। आज हमारे ऊपर जो जुल्म जबर मुसल्लत है, हर तरह से हम जिन मुश्किलात में हैं, कभी हमने खुद देखा कि हमारे साथ ये हो रहा है? क्या हमारे साथ ये वाकया होना चाहिए इसलिए हमारे साथ हो रहा है? अल्लाह ताला किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। ये अल्लाह ताला जल्ला शानहु मुनसिफ है। जो कुछ हमारे ऊपर हो रहा है ये हमारे गुनाहों की सजा है। आज हम रोते हैं हुक्मरान लूट के खा गए। ये एहतजाज हुआ है परसों, मैं भी मोटरवे से आ रहा था, रास्ते के अंदर जो है वो इस कौम ने ट्रक लूट लिए। नारे क्या लगा रहे हैं कि हुक्मरान लूट रहे हैं। और तुम्हारे बस में इतना था, तुम बोतलों का डाला लूट सकते थे, वो लूट लिया। तुम और क्या कर सकते थे? जिनका हाथ आगे पड़ता उन्होंने वो लूट लिया, वो भी लुटे रहे, तुम भी लुटे रहे। अपने आप को देखें पहले, पहले अपनी सलाह करें, अपने मन में उतरें, फिर किसी को देखें। जब मैं कहता हूं इलाही मेरा अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामा या माल देख, पहले अपने मन में तो उतर के देख, अपने अंदर तो उतर के देख। एक शख्स अपने घर में इंसाफ नहीं कर सकता है, अपनी चार दीवारी में अदल नहीं बांट सकता है, फिर लोगों से तवक्को रखता है? हमने देखना है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, अपने आप को देखना है, फिर हालात खुद बखुद संवरते चले जाएंगे। एक रिवायत के लफ्ज है, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान। अगर तुम्हारे आमाल ठीक हो जाएंगे, रहमत की छतड़ियां तुम्हारे ऊपर आ जाएंगी, और अगर आमाल ठीक नहीं होंगे तो फिर यही तुम्हारे कुछ होगा।